नमस्कार दोस्तों, विवेक ट्रेवल ट्रेल्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज इतनी बड़ी खुशखबरी है हमारे पास, मैं बता नहीं सकता कि कितनी खुशी हो रही है मुझे जान के, क्योंकि मैं अभी अभी लेह लद्दाख से वापस आया हूँ और लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बहुत रेवोल्यूशनरी कदम उठाया है। और वो कदम ये है दोस्तों कि पहले लेह लद्दाख जाने के लिए हमें इनर लाइन परमिट की ज़रूरत होती थी कुछ जगहों पर जाने के लिए, जैसे बहुत ही सुंदर पेंगोंग लेक जहाँ पर थ्री इडियट्स मूवी की शूटिंग हुई थी, नुब्रा वैली, खार डोंगला जो अभी तक हाईएस्ट मोटरेबल रोड था और अभी भी वर्ल्ड के हाईएस्ट मोटरेबल रोड में से है, और जो सबसे बड़ा मोटरेबल रोड बना है वो भी लेह लद्दाख में है जो 19,000 फीट के ऊपर बनाया गया है। सो फ्रेंड्स, इन सभी इलाकों को देखने के लिए हमें इनर लाइन परमिट की ज़रूरत होती थी, जिसको अब स्क्रैप कर दिया गया है। इसका मतलब है कि इंडियन टूरिस्ट अब सिर्फ अपने आइडेंटिटी कार्ड के साथ इन सभी जगहों पर जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड ज़रूर अपने पास रखना पड़ेगा, भले ही इनर लाइन परमिट की ज़रूरत आपको ना हो। एक और ध्यान देने वाली बात है कि भले ही इनर लाइन परमिट को ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन आपको वहाँ पर ग्रीन टैक्स ऑफ ₹300 और रेड क्रॉस फंड ऑफ ₹100 ये अभी भी आपको देना होगा, और ये आप अपने होटल से ही दे सकते हैं। फ्रेंड्स, इनर लाइन परमिट ख़त्म होने का मतलब यह नहीं है कि लेह लद्दाख में आप कहीं भी किसी भी रिमोट इलाके में जा सकते हैं। इसके लिए लेह लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन 0 किलोमीटर रीजन बना रहा है। ये ऐसे इनएसेसिबल विलेजेस होंगे जो हमारे बॉर्डर्स पे स्थित होंगे, जैसे पाकिस्तान से लगते हुए कुछ विलेजेस हैं, जैसे डुंगती, कोयल थांग, ये विलेजेस नुब्रा वैली में स्थित हैं और पाकिस्तान बॉर्डर पर आते हैं। ये 0 किलोमीटर विलेजेस होंगे और इनर लाइन परमिट ख़त्म होने के बाद भी लोकल जो टूरिस्ट हैं, जो इंडियन टूरिस्ट हैं, विदाउट परमिशन इन विलेजेस में नहीं जा सकते। इसी तरह न्योमा जो जगह है उसके 2 विलेजेस डैमचौक और चूमर, ये भी 0 किलोमीटर लिस्ट में आते हैं। यहाँ भी इंडियन टूरिस्ट या फॉरेन टूरिस्ट बिना परमिशन के ट्रेवल नहीं कर सकते। इंडियन टूरिस्ट के लिए सुविधा ये हो गई है कि अब उन्हें इनर लाइन परमिट की ज़रूरत नहीं है, वो लेह लद्दाख के बाकी किसी भी क्षेत्र में आराम से घूम सकते हैं। सिर्फ उन्हें अपना आइडेंटिटी कार्ड, जो ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, आपका पैन कार्ड हो सकता है, आपका आधार हो सकता है, आपका वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, ये आपको अपने साथ ज़रूर रखना है। जो भी फॉरेन टूरिस्ट हैं उन्हें अभी भी प्रोटेक्टेड एरिया परमिट ये लेना पड़ेगा। तो इंडियन टूरिस्ट के लिए आप जानते हैं कि जो सुविधा हुई है, लेकिन फॉरेन टूरिस्ट को अभी भी ये परमिट की ज़रूरत पड़ेगी लेह लद्दाख में घूमने के लिए। आशा है दोस्तों लेह लद्दाख से जुड़ी हुई यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट करें। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।